आप कहते हैं मुसलमानों पर चलेगा, मुझे एक बात बताइए, एक बात मैं डीजीपी सर से भी पूछूंगी और शाजिया जी यहाँ बैठी हुई हैं, अब अगर आप मुख्तार अंसारी के बारे में बात करेंगे, अतीक अहमद के बारे में बात करेंगे, तो वो मुसलमान है या फिर वो अपराधी? मेरा सीधा सवाल ये बार बार घूम फिर कर आता है, लेकिन इन नामों के आगे आप मुसलमान या हिंदू या मेरे लिए ये पहचान है क्या शाजिया जी? जरूरी बात आपने कही सुचरिता जी, बोलिए ना प्लीज। सुचरिता जी, सुचरिता ने बहुत ही जरूरी आपने बात कही है। अब देखिए, आप देखिए, ये बात हो रही है जब अपराधियों को अगर आप अलग करेंगी और आप देखेंगी सिर्फ और सिर्फ हकदार लोगों को, तो अगर आप प्राइम मिनिस्टर की आप देखेंगी आवास योजना को, तो आप उसमें देखेंगी जो सबसे गरीब मुसलमान है तो वो लाभार्थी सबसे ज्यादा रहा है कल्याणकारी योजनाओं का। हाँ। अगर आप आवास योजना और ये आंकड़ा देखिए, ये आपको बहुत कुछ समझाएगा। लोग यहाँ पे कह रहे थे कि अवैध तौर जो निर्माण है तोड़े नहीं जाने चाहिए, लेकिन वैध निर्माण होंगे तभी तो आप जो है लीगल कंस्ट्रक्शन जब तक नहीं करेंगे तभी तो जगह मिल पाएगी और अफोर्डेबल हाउसिंग होगी। आपको सोल्यूशन तो देना होगा, आप क्रिमिनैलिटी को तो नहीं देखिए शाजिया जी, नीचे चल रहा है, ज्यादा लाभार्थी जो है वो माइनॉरिटीज रहे हैं। इसमें देखिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ये जवाब राज्यसभा में आया है कि जितने भी घर बने हैं उसमें से 13% घर जो हैं मुसलमानों को दिए गए हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, विकास दुबे और उसमें विजय मिश्रा और उसमें श्रीकांत त्यागी, ये सारे नाम जो नीचे चल रहे हैं ना आप देख रहे हैं प्रेम जी भाटी जी, ये सारे मुसलमान नहीं है, ये उनके नाम चल रहे हैं जिनके जिनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है, तो इसमें से हिंदू मुसलमान हम कन्वीनियंटली अपने लिए चुन लेते हैं। डीजीपी सर को एक बार लाइए। डीजीपी सर, मैं इसमें नाम इसलिए पढ़ रही हूं क्योंकि ये अवैध निर्माण करने वाले लोग हैं, इनके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। मैंने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी डिटेल्स जाएंगी और वो कोर्ट तय करेगा, लेकिन इसमें तो नाम कई आप अब हम तय कर लें, हमें हिंदुओं के नाम पढ़ने मुसलमानों के नाम पढ़ने, नाम तो उनके हैं जो अवैध निर्माण कर रहे थे उन पर बुलडोजर चला। मुझे लग रहा है डीजीपी सर की आवाज नहीं आ रही है, सर आपने शायद म्यूट कर दिया, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सुचरिता जी, ये जात पात बिरादरी और धर्म ये अपने हम राजनीतिक मित्रों की निर्णय पे छोड़ते हैं क्योंकि उनके चश्मे का पावर मुझसे बहुत ज्यादा है। कानून की किताब में न हिंदू लिखा है न मुस्लिम लिखा है। हाँ। न जात लिखी है, न अगड़ा न पिछड़ा न पीटीए और पीएनडी, पता नहीं कौन कौन से एक्रोनिम्स आपने खोज लिए हैं। कानून कहता है दोषी या निर्दोष, आरोपी या मुल्जिम या मुजरिम, और उसके ऊपर कानून की परिभाषा के अंतर्गत अगर है तो प्रसाद मिलने ही वाला है। और ये जो है ना किसान, इन्हीं के ऊपर क्यों चल रहा है, इन्हीं के ऊपर इससे चल रहा है। और सुचरिता जी मैं बता दूं, सारी जिंदगी मैंने बुलडोजर चलाया है, तो समझ करके और बुद्धि और सर्जिकल तरीके से, ना उसमें दिल लगता है ना उसमें कोई बहुत ज्यादा स्वविवेक लगता है। अगर आप उसके पैरामीटर में आते हैं, नाजायज कंस्ट्रक्शन है, एक सेकंड और लूंगा मैं, जब कभी कोई अपराध करता है तो एक खाका होता है हिस्ट्री शीट, और हिस्ट्री शीट की जो उसकी लेखा होता है उर्दू में होता है वल्दियत सुकूनत जरिया आमदनी जरिया माश, उसके पूरे खानदान का शिजरा बनता है कि उसके जो भी जो रिसिपियंट हो सकते हैं उसकी चोरी डकैती और लूट के उन सबका खंगाला जाता है। बेनामी मकान बनाया है वो भी ध्वस्त होगा, इलीगल बनाया है वो भी ध्वस्त होगा, लेकिन आपत्ति है। अपराधी के ऊपर आपने आंख उठाने का दुस्साहस कैसे किया? हम उसके कुत्ते से हाथ मिलाते हैं और आप उसका घर गिरा रहे हैं, मतलब इतना दुस्साहस। लेकिन मैं सुचरिता जी यही कहना चाहूंगा कि अगर उसने ये इस तरीके की हिमाकत की, लूट खसोट की, एक शब्द अगर आप कह देते कि जिनकी लूटी हुई संपत्ति से ये अट्टालिकाएं बनी है, आपने तो नाम बता दिया, अच्छी अच्छा किया, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना, लोगों के मन में स्लो पॉइजनिंग करना, जातीयता का विष घोल देना, सांप्रदायिकता फैला देना, और यही विष भारत का ही नहीं अभिशाप नहीं है, अमरीका इंग्लैंड में भी यही किया जा रहा है कि जो एक अनुपात है इस बिरादरी का उससे ज्यादा अनुपात में ये लोग जेल में, अरे जो अपराध करेगा तो क्या करेंगे, अनुपात के हिसाब से उनको जेल में भेजेंगे। इनका तर्क सुनती रहिए, बस तर्क सुनती रहिए, कहीं ना कहीं जो लचर डिफेंस जो कि इलॉजिकल है, तर्कविहीन है, आपको एक लाइन कहनी चाहिए, जो सजा जो जुर्म करेगा सजा पाएगा। देखिए सर, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव की और जिस तरह से वार हुए, इस वक्त यूपी में भेड़ियों को लेकर बड़ी चर्चा हो रही कि कैसे उनका आतंक फैला हुआ है और उन पर एक पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला टूट पड़ा है, लेकिन आज उस भेड़िए के बारे में बात करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कैसे हमला किया है वो जरा आपको बताना चाहती हूँ। क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ जब संबोधित कर रहे थे एक सभा को, तो उन्होंने कहा, सपा पर उन्होंने निशाना साधा, और उन्होंने क्या कहा है भाटी जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ, उन्होंने सीधे सीधे कहा कि आज बहराइच में भेड़िए उत्पात मचा रहे हैं,
उसकी जिक्र सब लोग कर ही रहे हैं। 2017 से पहले यूपी में भेड़िया राज था। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा भेड़िया राज लाना चाहते थे और यह भी कहा कि जिस तरह से भेड़ियों के इलाके बटे होते हैं वैसे वसूली के लिए इलाके बटे हुए थे, ये वो कह रहे हैं। अब ये जब हमला हो रहा था तो वहां पर लोग तालियां बजा रहे थे। अब सवाल ये है कि जिस राज की वो बात कर रहे हैं, अखिलेश जी योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के सरकार पर और राज पर हमला करने से बचते नहीं है। आज भेड़िया राज से तुलना कर दी है भाटी जी, इलाके बटे हुए थे, वसूली हो रही थी। नहीं, अब आंकड़े तो ये बताते हैं, सरकार के आंकड़े बताते हैं कि अखिलेश यादव जी की सरकार से 1.5 गुना क्राइम अब यूपी में है। यूपी के अंदर हर 2 घंटे में एक बेटी के साथ रेप हो जाता है। महिलाओं के प्रति अपराध में यूपी नंबर 1 है, रेप में यूपी नंबर 1 है, गैंग रेप में यूपी नंबर 1 है, पुलिस हिरासत में मौतों में यूपी नंबर 1 है। और उत्तर प्रदेश के हालात ये हो गए हैं कि एक अफसर को शिकायत मिलती है कि थाने में वसूली गैंग चलाया जा रहा है। अफसर जांच के लिए जाते हैं तो एसओ दीवार कूद के फरार हो जाता है, थाने का एसओ थाना इंचार्ज दीवार कूद के फरार हो जाता है। अभी हमारे डीजीपी साहब भी बात कर रहे थे राजनीतिक चश्मे की, जाति चश्मे की, चश्मा तो आपके पास भी है लेकिन आपकी नजरें कहीं और रहती है। नजरें घुमाओ तो आपको दिखाई देगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो 16 अपराधी गिरफ्तार होते हैं छेड़छाड़ में लखनऊ में, उनमें से केवल 2 के नाम विधानसभा के अंदर लेते हैं, एक यादव का, एक मुसलमान का, तो जातिवादी चश्मा किसके पास है। अच्छा, भेड़िया वाला आरोप बड़े ही भले ही योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं, लेकिन शाजिया जी वो कह रहे हैं कि आप क्राइम रेट तो यूपी में, आप लोगों के राज में। मुझे बोलने दीजिए, छोटा सा बोलिए। इलेक्शन नहीं, सुचरिता जी छोटी सी बात जरूरी है, ये कहना बहुत जरूरी है। अभी भी एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया। मैं स्टेटिस्टिक्स के आधार पर, मैंने आपको अभी प्राइम मिनिस्टर योजना के बारे में बताया कि कितने मुसलमान बेनिफिशियरी उसमें रहे हैं, जितनी उनकी आबादी है उसी के अनुसार उनको घर दिए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो एनसीआरबी का डेटा है, जो लेटेस्ट डेटा है, अगर 35 लाख केसेस रजिस्टर होते हैं पूरे देश में तो सिर्फ 4 लाख होते हैं सिर्फ यूपी में। जो क्राइम रेट ऑफ यूपी है वो काफी कम है नेशनल एवरेज से। अगर नेशनल एवरेज में आप देखेंगे तो 258.1% अगर बड़ा है तो अगर है तो 171.6% है यूपी में। और लोग कह रहे हैं कि इसके वजह से यूपी स्टैंड्स एट 11.28% एंड रैंक्स 20th इन द कंट्री। सब इतने बड़ा राज्य होने के बावजूद क्राइम्स में 20वें नंबर पर है, बावजूद इसके कि वो इतनी डेंसली पॉपुलेटेड है। ये अपने आप में बताता है कि कितने ज्यादा पॉपुलेशन, जिसकी 17% पूरे देश की आबादी यूपी की है, उसके बावजूद 20वें नंबर पर है। तो ये आपको बताता है कि कितना ज्यादा क्राइम मुक्त, मैं नहीं कहूंगी, आंकड़ों के आधार पर। स्टेट आज देश की सबसे बड़ी स्टेट नहीं हुई है, अभी चुप तो करो। लेकिन ये आंकड़े आप देश से बोलिए। ये 17 से पहले भी देश का सबसे बड़ा स्टेट था। ठीक है, अखिलेश यादव के एक साल के अंदर 2,37,000 मुकदमे दर्ज हुए थे, अब 4 लाख साजिया इल्मी खुद कह रही है, जबकि आधे मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। लड़ाई तो 2027 के लिए, लड़ाई 2027 क्राइम हो गया। आप ये बड़ा क्लियर है, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, जनता को तय करना है वो उनको कौन सा मॉडल चाहिए, उनको तय करना है, उन्हीं पर छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत जुड़ने का।